आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी एकदम नए तरीके के साथ में। मटर पनीर की सब्जी छोटे हो या बड़े सभी की फेवरेट होती है। आज हम इसको बनाने वाले हैं बिल्कुल एक नए तरीके के साथ में, बिना लहसुन प्याज के। आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो तब भी आप इसको बहुत ईजीली बना सकते हैं घर में, और इसका स्वाद आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा वाला आने वाला है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं मटर पनीर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं और 200 ग्राम पनीर है। मटर जो है वो मैंने फ्रोज़न लिए हैं, आपको अगर फ्रेश मिलते हैं तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। और पनीर को मैंने यहाँ पर क्यूब्स में कट कर लिया है, इस तरह से छोटे बड़े साइज़ आप अपनी पसंद से कट कर सकते हैं। और दो बॉयल्ड मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। और ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मटर पनीर की सब्ज़ी में आलू किस यूज़ में आना है। और यहाँ पर लिए हैं दो टमाटर और दो छोटे छोटे टुकड़े अदरक के लिए हैं और एक हरी मिर्च। इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिए, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। इसका पेस्ट बना लेते हैं पहले। तो लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीसकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया है ग्रेवी के लिए। और गैस पर रख दिया है कढ़ाई, इसमें 4 से 5 चम्मच डाला मैंने ऑयल, ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर आधा चम्मच लिया है मैंने जीरा, जीरा मैंने दोनों तरह का डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा, नॉर्मल जीरा और शाही जीरा। दो मैं लौंग ले रही हूँ इसमें, और एक तेज पत्ता, छोटे से दो टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी जावित्री। इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा भून लेना है कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ पे भून चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था। गैस स्लो रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम टमाटर का पेस्ट तेल में डालते हैं तो तेल के छींटे जो हैं वो लगते हैं, तो थोड़ा स्लो गैस करके इसको हमें डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर इसको थोड़ा सा भून लिया है 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि टमाटर का कच्चापन और अदरक का कच्चापन जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चला लेना है। उसके बाद में हम इसमें बाकी के मसाले जो ऐड करेंगे। यहाँ पर डाला आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेगा, और आधा चम्मच डाल दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है 1-2 सेकेंड के लिए मसालों को। तो इस तरह से मसालों को अच्छे से चला लेंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ मसाला हमारा भुन चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। इसको भी मैं मसाले के साथ ही भूनूंगी, इससे सब्ज़ी में और अच्छा टेस्ट आ जाता है मटर को मसाले के साथ में भूनने से। तो यहाँ पर मटरों को भी हम मसाले में भून लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मटर भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए मसाले में। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बॉयल पोटैटो, दो आलू लिए थे, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके ही डालिएगा, इससे हमारी ग्रेवी में जो है थिकनेस आएगी, क्योंकि हम लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले के साथ में। आप देख सकते हैं कि आलू जो एकदम स्मूथली जो है मिक्स हो गया है मसाले के साथ में, इससे हमारी ग्रेवी जो है वो एकदम गाढ़ी बनेगी, जैसे हम मटर पनीर नॉर्मली प्याज के साथ में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ उसी मिक्सी में घुमाकर, जिसमें हमने टमाटर और अदरक हरी मिर्च को पीसा था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, बिल्कुल स्लो गैस पर, एकदम गैस को स्लो कर देना है, जिससे कि मसाले जो और हमने आलू इसमें डाला है वो मसालों के साथ अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन हटाकर इसको थोड़ा सा चला दिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है मसाले से। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी आपको ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही होगी, तो इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। यहाँ पर आधा कटोरी मैं पानी डाल रही हूँ, आप को जैसा पसंद है मटर पनीर, अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें पानी डालिएगा, क्योंकि अभी सब्जी ने और थोड़ा कुक होना है, तो इसलिए हमने इसमें आधा कटोरी पानी डाल दिया है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं साथ में ही 2 चम्मच मलाई, घर की बनी हुई मलाई। मलाई की जगह आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्रेश मलाई यूज़ की है,
तो इससे जो है सब्ज़ी में और अच्छी सी रिचनेस आएगी और आपकी मटर पनीर की सब्ज़ी और भी स्वादिष्ट बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल। और यहाँ पर सब्ज़ी को और थोड़ा सा स्वादिष्ट और रिच बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है किशमिश और काजू का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और साथ में ही हम डाल देंगे पनीर के पीसेस जो हमने कट करके रखे हुए थे। मैंने यहाँ पर कच्चा ही पनीर यूज़ किया है, अगर आपको फ्राइड पनीर पसंद है मटर पनीर में तो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारे पीसेस को मैंने डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एकदम हल्के हाथों से। और इसको अब हम 10 मिनट के लिए एकदम स्लो गैस पर जो है कुक करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बिना लहसुन प्याज की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको मेरे चैनल पर दी हुई हैं, उनको भी देखिएगा, आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक कर लिया है, ढक्कन हटाकर देखते हैं। वाओ, कितनी सुंदर सा कलर आ गया है हमारी सब्ज़ी पर, आप देख सकते हैं। तो इस पर मैंने डाल दिया है लास्ट में कसूरी मेथी का एक चम्मच, उसको मैंने भून के रख लिया था पहले से ही तवे पे, और लास्ट में उसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कसूरी मेथी भून कर डालने से सब्ज़ी का स्वाद जो है वो दो गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी जो है हमारी बनकर तैयार है मटर पनीर की। और देख सकते हैं आप जिस तरह से प्याज वगैरह डालने से सब्ज़ी में थिकनेस आती है, उसी तरह की सब्ज़ी जो है हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है, इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो अब इसको फटाफट से गर्मा गर्म जो है सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा सर्विंग बाउल ले लिया है, उसमें मैं इसको सर्व कर रही हूँ। सब्ज़ी की थिकनेस देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि आलू के साथ ही हमने ग्रेवी को कितनी अच्छी सी थिकनेस दी है। जो लोग आलू नहीं खाते हैं, आलू को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैंने अपने चैनल पर रेसिपीज़ डाली हुई हैं। लौकी के साथ मैंने ग्रेवी बनाकर एक रेसिपी डाली हुई है कढ़ाई पनीर की, यूट्यूब पर आज तक वैसी कोई भी रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली है। एक बार आप उसे भी देखिएगा, आपको पसंद आने वाली है। उसमें भी मैंने लहसुन प्याज यूज़ नहीं किया है। और अब आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।